हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से किया गया है, जिसने दूसरे वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त कर दिया। 10 अक्टूबर को हुए इस परीक्षण का मकसद था मिसाइल की रेंज को बढ़ाना। जमीन से जमीन पे मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। इस मिसाइल की लंबाई 28 फीट है और इसका वजन 3000 केजी है। इसमें 200 केजी के पारंपरिक और परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर तक हो गई है। इसको आसानी से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। ये 4300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। ये मिसाइल और कोई नहीं, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह मिसाइल एंटी शिप वेरिएंट थी, यानी सुखोई से इस मिसाइल को दाग कर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबाया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। भारत सरकार अपनी टेक्निकल मिसाइलों की रेंज बढ़ा रही है। भारतीय वायुसेना के पास 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रेमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता और ज्यादा घातक हो जाए। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है और ये चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। और आपको क्या लगता है, भारत को अपने सारे मिसाइलों की रेंज इसी तरह बढ़ानी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।